हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत है सुबह से, तो आज मैं करूंगी चाय के बाद डीप क्लीनिंग। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा ज़रूर। और जो कल आएगा वीडियो वो भी बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ इसको भी ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, सुबह की मीठी मीठी चाय। और आप लोगों से बातें भी हो रही हैं साथ साथ में। तो मैंने चाय पत्ती तो डाल दी थी, अब मैं डालूँगी इलायची इसमें और दूध भी डाल दूँगी मैं इसमें, और हमारी चाय बनके तैयार हो जाएगी। बालकनी वगैरह खोल लेते हैं पहले। ऐसा भी होता है। पहले जरा इसको ठीक कर ले। तो रात को हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने कपड़े वाले स्टैंड को हॉल में ही रख दिया था, और पंखा चालू कर देते हैं हल्का हल्का, तो सुबह तक कपड़े भी सूख जाते हैं और फिर टेंशन भी नहीं होती है कि कपड़े नहीं सूखे हैं। बच्चे रात को टीवी वगैरह देखते हैं, सब इधर का उधर फैला देते हैं, तो वही सेटिंग कर रही हूँ मैं। रात भर में कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, बस ये चाबी कॉइन क्या क्या निकल रहा है, बस लगता है देखने में। तो यहाँ पे बच्चों का पिगी बैंक है, मैं उसमें ये कॉइन डाल दूंगी, और बस ऐसा ही है, चलता रहता है, क्या करें, घर हौच पौच होता रहता है और हम उसको क्लीन करते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइट्स भी चालू कर ली हैं, क्या करें, यही ज़िंदगी है, ऊपर से लॉकडाउन है, करोना करोना। तो मैंने दाना भी डाल दिया इनको। स्टैंड से कपड़े भी हटा ही लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो मैं पहले बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी अच्छे से, चादर वगैरह झाड़ के, और फिर उसके बाद मैं ऊपर से जाले हटा दूँगी सारे ही। अब बारिशें होने लग गई हैं ना, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, इतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगी तो बहुत गर्मी हो जाती है। और अब मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, यहाँ का भी मैं साफ़ कर लूँगी पहले अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे ना, तो ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया था इस पर, तो अच्छा खासा ही काम हो गया है। तो पूरे हॉल के इसी तरह से जाले हटा दूंगी। और अब मैं बेडरूम का पंखा साफ कर लूंगी पहले।
मैंने पहले पंखों को झाड़ू से हल्का हल्का साफ कर दिया था ताकि जो ज़्यादा धूल है वो निकल जाए, और अब मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो वाइट पंखे नहीं होने चाहिए कभी भी घर में, इतने गंदे दिखाई देते हैं ना कि हफ्ते भर में ही साफ़ करने पड़ जाते हैं मुझे तो। मैं तो सोचती हूँ दूसरे कलर के पंखे हो तो ठीक है, कोई डार्क कलर हो तो बहुत अच्छा। देखिए कितना गंदा दिखाई दे रहा है। अब मैं हॉल के साफ़ कर रही हूँ, इस तरह से पहले मैं झाड़ू से साफ़ कर लेती हूँ इनको। और अब मैं इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी कॉलिन लगा के। अगर पानी या सर्फ से साफ़ करें ना तो इनका कलर निकल जाता है पंखों का, तो मैं तो कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। और बहुत जल्दी ऑयल निकल जाता है पंखों का, जो भी चिपचिप होती है ना, बहुत इजी। और ये ग्लव भी बहुत अच्छा है, इसे भी बहुत इजी सफाई हो जाती है पंखों की। मैं दूसरा वाला पंखा भी साफ कर लूंगी इसी तरह से। ये बेस्ट है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज या फिर जैसे ये फैन, इनका जो पेंट होता है ना वो सारा निकल जाता है अगर पानी से साफ करोगे तो, इससे बेस्ट है। और ये ग्लव, ये इससे भी बेस्ट, मतलब हर एक टाइप की जो भी डस्ट होगी, ऑयल होगा, सब इजी निकल जाता है इस वाले ग्लव से। मुझे तो बहुत पसंद है ये। तो मैंने जाले और पंखे तो साफ कर लिए, अब मैं इसके बाद झाड़ू निकाल दूंगी। जाले साफ करने के बाद ना बहुत कचरा निकलता है, और यहाँ डाइनिंग टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ था, उसका चार्जर वगैरह वो भी उठाना है, सब समेट के फिर अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने पूरे घर में ही झाड़ू निकाल दिया अभी। देखिए कितना सारा कचरा निकला है, और अब मैं इसके बाद बाहर भी झाड़ू लगा दूंगी। वैसे तो आती है झाड़ू लगाने के लिए बाहर पैसेज में, तो मैं भी लगा लेती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है सफाई किए बिना। और अभी झाड़ू लगाना हो गया मेरा, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ वॉश बेसिन में। इसको भी मैं पहले साफ कर लूँगी अच्छे से। अब मैं ये टाइल्स भी पोंछ लूँगी अच्छे से, क्योंकि इस पर भी दाग लग जाते हैं पानी के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और हाँ, कल वाला वीडियो देखना ना भूलें, बहुत अच्छा है वो भी, प्लीज़ ज़रूर आइएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।
और अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक और नई अच्छी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।